वेल दोस्तों, पुष्पा द राइज फिल्म में ऊ अंतवा गाने से दुनिया भर में मशहूर होने वाली साउथ की ब्यूटी सामंथा रूथ प्रभु अपना 35वां जन्मदिन मना चुकी हैं पिछले महीने। आपको बता दें कि उनके जन्मदिन पर हम आपको इस वीडियो के जरिए उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं, उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में रूबरू करवाएंगे। तो आखिर कैसे सामंथा एक होटल स्टाफ से फिल्म की सुपरस्टार बन गई, ये सब आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको जुड़े रहना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि 28 अप्रैल 1987 के केरल में जन्मी थी सामंथा रूथ प्रभु। वहीं सामंथा का नाम इनके घर वालों ने यशोदा रखा था। जी हाँ दोस्तों, एक्ट्रेस के घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सामंथा को पढ़ा सके। ऐसे में एक्ट्रेस ने खुद कमाकर अपनी फीस दी और स्टडी को पूरी की थी। और अब साउथ सिनेमा का एक जाना माना नाम है सामंथा रूथ प्रभु। जी हाँ, एक्ट्रेस अपना 35वां जन्मदिन मना चुकी है और ऐसे में उनके बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको बता दें कि सामंथा आज एक बहुत बड़ी स्टार हैं। साउथ सिनेमा से लेकर हिंदी सिनेमा में उनकी अदायगी का जादू चलता है। पर क्या आपको मालूम है कि सामंथा कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी ने उन्हें मॉडलिंग में धकेल दिया। किस्मत से वो मॉडलिंग में भी हिट रही और उसी दौरान उनका काम देख कर रवि वर्मन ने उन्हें फिल्म ऑफर कर दिया था, जिसके बाद सामंथा का सितारा ऐसा चमका कि एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं और आज वो सिनेमा जगत में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं। आपको बता दें कि साल 2010 में सामंथा की डेब्यू फिल्म रिलीज हुई थी, ये माया चसावे, जिसमें नागा चैतन्य इनके अपोजिट थे। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी डेब्यू फिल्म में काम करते हुए सामंथा को अपने को एक्टर नागा चैतन्य अकिनेनी से प्यार हो गया। बता दें कि साउथ के सुपरस्टार नागा अर्जुन के बेटे नागा चैतन्य भी सामंथा पर अपना दिल हार बैठे थे और फिर इन दोनों स्टार ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। 7 साल तक डेट करने के बाद दोनों साल 2017 में सगाई की और इसी साल अक्टूबर में दोनों ने शादी के बंधन में बंध गए। कल आपको बता दें कि इनके बढ़ते मनमुटाव के चलते ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई और इन दोनों ने 2 अक्टूबर 2021 को तलाक भी ले ली। वहीं सामंथा अपने नाम से नागा के सरनेम अकिनेनी को भी हटा लिया था। वहीं बता दें आपको कि तलाक के बाद नागा ने सामंथा को एलिमनी रकम 2000 करोड़ रुपए की ऑफर की थी, लेकिन एक्ट्रेस ने इसे लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हालांकि तलाक की खबरों ने उस वक्त खूब दूर पकड़ा था। इनके चाहने वालों के लिए इस खबर ने इनके फैंस को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। वहीं इनकी तलाक की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई, लेकिन कयास लगते रहे और ना ही इन दोनों स्टार्स ने कभी इस पर कुछ खुल कर बोला। हालांकि तलाक के बाद एक्ट्रेस ने कहा था कि मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, पर मैंने खुद को संभाल लिया, मैं इतनी स्ट्रांग हो सकती हूँ सोचा ना था। गौरतलब है कि तलाक के बाद से एक्ट्रेस अपने काम पर खूब फोकस कर रही हैं, दिन रात अपनी एक्टिंग को निखार रही हैं। यही वजह है कि एक्ट्रेस अब अपनी फिल्मों के लिए हाई चार्जेस करती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हाल ही में आई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में सामंथा ने 3 मिनट का आइटम सॉन्ग किया था, जिसका उन्होंने 5 करोड़ रुपए चार्ज भी किए थे। हाल ही में खबर आई थी कि एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं। वहीं बात करें इनकी फिल्मों की, तो आपको बता दें कि सामंथा ने अब तक तमिल तेलुगु समेत 65 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया है। वहीं एक्ट्रेस फैमिली मैन 2 में मनोज वाजपेयी के साथ भी नजर आई थी। आपको बता दें कि सामंथा की नेट ग्रॉस की बात करें तो बता दें कि ये आज 80 करोड़ की मालकिन है। वेल, सामंथा रूथ प्रभु 35 साल की हो चुकी है, ऐसे में एक्ट्रेस को बहुत सारे लोगों ने उन्हें विश किया। आपको बता दें कि उनमें शामिल थे बॉलीवुड स्टार भी। जी हाँ, साउथ इंडियन स्टार्स ने भर भर कर विशेष दी उनको। वहीं बॉलीवुड के स्टार भी कम नहीं रहे। आपको बता दें कि कंगना रनौत से लेकर वरुण धवन तक ने उनको विश किया था। वेल दोस्तों, उनके एक और फैक्ट के बारे में आपको बता दें, तो आपको बताएं कि सामंथा के फिटनेस की बता दें आपको बात करें तो सामंथा आए दिन जिम में खूब पसीना बहाती हैं, फैंस को अपनी फिगर से मदहोश करती हैं। हालांकि अपनी टोन्ड बॉडी के लिए एक्ट्रेस डाइट चार्ट भी फॉलो करती हैं। आपको बता दें कि वो वेगन हैं और सिर्फ पत्तेदार सब्जियां ही खाती हैं। एक्ट्रेस ने अपने घर पर ग्रीन लीव्स भी उगाया हुआ है, जिनकी तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर भी शेयर करती रहती हैं। वेल दोस्तों, एक्ट्रेस के बारे में आपको क्या कहना है, उनके ये फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही रोचक खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।